चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जाट भी आओगे एकरा के साथ? हाँ पक्का पक्का। और कौन आवेगा? जाट है, सैनी समाज है, कश्यप समाज है, सब आओगे। राजपूत है, हिंदू गुज्जर है, सब जाएंगे। एक रहा था पहले दी थे पर उत्तर तो नाराजी है पहले से ही सब। यहाँ तो बहुत सारे लोग कभी नहीं आ पाँच साल तक। प्रदीप तो काम कब के हिसाब से तो प्रदीप तो कभी आया नहीं। अच्छा, न किसी ने देखो तो बता दो। एक आदमी तो किसी ने देखा ही नहीं। नहीं, काम तो बढ़िया हो रहा है। अच्छा। काम में कमी नहीं, पर एमपी ने शक्ल इनका दिखाई नहीं पूरे इलाके में आके। तो रोड बढ़ेगा, 10 चक्कर मारते हो दिन में को? तो पहला 5 मारो थे। रोड बनने पे भाई ऐसा ही टोल लगा दिया। अच्छा, रोड बना दिया, रोड का कोई फायदा है इनका? रोड ही रोड बनाओ जाओ बस, पब्लिक भूखी मर जाएगी, अपना रोड पे चलो जाएंगे। आज 900 रुपये का, पहले 300 रुपये का था वो टोल, आज 900 का था, फिर आज फिर बढ़ा दिया 300 की, 1200 लेगा वो। कोई लड़ो, हमारी वोट भी समाज से है, थाने बोन से है, वैसे हम रहने वाले वोट भी हमारा थाने बोन में है। वोट आपका था लेकिन हम फूल पे देंगे, मोदी को देंगे जी वोट। जैसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के कैराना शहर में है। कैराना शहर में हम यहाँ जो है अड्डे पर है। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन भी दर्ज हो चुके हैं। तीनों प्रत्याशियों ने लगभग अपने नामांकन दर्ज कर दिया है। बसपा से श्रीपाल राणा है, एनडीए गठबंधन से अगर हम बात करें तो प्रदीप चौधरी को दोबारा से टिकट मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से इकरा हसन को जो है टिकट मिला है। हम यहाँ भी यहाँ लोगों के बीच है, चुनावी माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वोट करने वाले हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? भाई मोहल तभी सवर्ग मंदा है। रोजगार कैसे चल रहे? बढ़िया, मजा आ रहा क्या? रोजगार में तो हमारे खत्म हो रहा, बिल्कुल रोजगार नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अच्छा, रोजगार खत्म है बिल्कुल। क्या क्या दिक्कत हो रही है रोजगार में करने में? पहले आ रही दिक्कत हो रही है भाई, कुछ भी नहीं है, हमारा रोजगार तो खत्म हो रहा बिल्कुल। अच्छा, आप क्या काम करते हो वैसे? गाड़ी चलावे हम तो। अच्छा, क्या महंगाई हो रही है, क्या नहीं बच पा? महंगाई दुनिया भर की हो रही है, रोजगार नहीं है कहीं से, कहीं तक भी आदमी भुक्का पड़ रहा। अच्छा, कितने बचा लो दिन में? 400-500 रुपये बचा मैं, पहले कमावे थे 2-3 हज़ार रुपये, अब जो 400-500 भी लिए, हमारी मुश्किल हो रहा है बच्चों को पालना भाई। नहीं तो रोड बढ़ेगा, 10 चक्कर मारते हो दिन में को? तो पहला 5 मारो थे। रोड बनने पे भाई ऐसा ही टोल लगा दिया। अच्छा, वो टोल भी तो देना पड़ रहा। जी भाई साहब, आपका नाम? जी बोल लगा सावेज। अच्छा सावेज, क्या लग रहा चुनाव आ रहे? एकरा होगी क्यों? एकरा क्यों होगा? इसे जो आया इसे कोई नहीं जानता, क्या नाम है इसका? प्रदीप को, प्रदीप का आज हमने फोटो नहीं देखा। अच्छा, इन साल लग रहा है ना तो किरण क्यों पसंद आ रही है, क्या कारण लग रहा ये कर रहा है जो भी कुछ है? अच्छा, मरे रहे तो कर रही है, काम पसंद नहीं आ रहे प्रदीप चौधरी? प्रदीप का आज हमने देखा ही नहीं, ना हमने फोटो देखा बोर्ड पे। अच्छा, हाँ भाई, रोड बन रहे, राशन मिल रहा फ्री में, क्या उनका फायदा नहीं हो रहा? फायदा कुछ नहीं मेरा भाई, महंगाई भी बहुत है। जी बाबा जी, आपका नाम? रईस खान साहब। अच्छा खान साहब, क्या लग रहा चुनाव आ रहे? एक तरफ इकरा है, प्रदीप है, शिरपाल राणा है, तीनों में कौन लग रहा? तीनों हो जाएंगे तो तीनों हो जाएंगे, तीनों ही जीत जाएंगे। हाँ, नुकुकर वोट जो काम करेगा वो जीतेगा भाई। अच्छा, हाँ, काम कौन करेगा आपके हिसाब से? काम कब के हिसाब से तो प्रदीप तो कभी आया नहीं। अच्छा, न किसी ने देखो तो बता दो। एक आदमी तो किसी ने देखा ही नहीं। नहीं, काम तो बढ़िया हो रहा है। अच्छा, काम में कमी नहीं, पर एमपी ने शक्ल इनका दिखाई नहीं पूरे इलाके में आके। वो तो कह रहे हैं लोकसभा इतनी बड़ी, कहाँ कहाँ जाऊँ मैं अकेला? नहीं, जाना तो पड़ेगा, जब जिम्मेदारी ले रखी, जब जीत रहा, जब वोट दिए पब्लिक ने, तो उसे आना भी चाहिए था। अच्छा, हाँ। बाकी इकरा, इकरा क्या लगे? इकरा भी फैट में है, फैट में है। हाँ, जीत जाएगी? बस जीतना तो दिखे, हमें पता नहीं, जब तक मशीन ना, जब तक जीतता नहीं कोई। अच्छा, तो मशीन का क्या मामला लग रहा भाई? वोट दे रहा मैं तुझे, जा रहा है भाई मैं वोट। अच्छा जी भाई साहब, आपका नाम? भाई जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई पहली बात तो। अच्छा, रोड बना दिए, रोड का कोई फायदा है इनका? रोड ही रोड बनाओ जाओ बस, पब्लिक भूखी मर जाएगी, अपना रोड पे चलो जाएंगे, दिखाओ जाओ। आज 900 रुपये का, पहले 300 रुपये का था वो टोल, आज 900 का था, फिर आज फिर बढ़ा दिया 300 की, 1200 लेगा वो। अच्छा ये बताइए, जब आप काम ये टैक्सी चला रहे भाई, पहले क्या किराया था, अब क्या किराया है? पहले किराया 15 भी था, 20 भी था, 25 भी था, तो पहले ऐसा ही मंदा था। CNG का बता मुझे क्या रेट था पहले? 35 रुपये। मैंने भरवाई 32 रुपये में, 32 रुपये में CNG भरवाई, आज जा रही 86 रुपये। वो तो कह रहे हैं मजदूरों का इंतजाम करा, घर राशन भी दे हम तो। कौन सा मजदूर है वो, किसके घर राशन जा रहा बुला? हम भी तो मजदूर ही हैं, या नौकरियाँ ही तो कर रहे लोगों की।
बता अब 11 तो चला जाए, 1200 रुपए का सिलेंडर बता वे नगद पैसे। तो जिंदगी जो है मुश्किल नजर आ रही है, मुश्किल बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताइए आपका मतलब गैस डलती है और टोल लगता है, दिन में आपका ये कितना खर्चा हो जाता है? दिन में खर्चा जी कम से कम 2000 का तो खर्चा है टोल और सीएनजी का अगर माने जी, सब कुछ लगा के। बाकी उसमें गाड़ी की दिहाड़ी भी है, टेर घिसाई भी है, मालिक भी है, मैं भी हूँ। उसमें 500 मालिक को दे दूँ, 400 में रख लूँ। पहले मालिक 1000 रुपये लेवे था और खुश हो जावे था, बोला 1000 रुपये मिल ले भाई। हिट एंड रन कानून लाए थे भाई, ट्रक वाला अगर कोई मार के भाग गया तो उसको 10 साल के, तो उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा? देखो जी वो तो अभी लागू हो चुका है वो जी, लागू तो हो गया वो। चलो सजा तो काट लेंगे, सजा कट जाएगी आदमी पे। गरीब आदमी ड्राइवर नौकरी कर रहा 11000 की, 11000 में उस पर एक केस हो गया, 10 लाख कहाँ से देगा वो अगर सजा ही काट लगा? अरे ना घर हुआ फिर क्या बेचेगा? तो कानून से फर्क पड़ेगा वो जी, फर्क पड़ेगा। दिक्कतें भी है, दिक्कत है जी बहुत ज्यादा। रही इलेक्शनों की बात, अपना भाई प्रदीप भाई है, देखे तो है नहीं उन्हें, ना कभी सुना ना कभी फोटो देखा आज तक भी। बाकी देखो भाई माहौल के दर, वैसे किधर बनना है माहौल? हमारे बात है जी, हमारा एक दरवाजा है वो ये ही करा है हमारी बात जी। भाई आपका नाम? आशीष सैनी है भैया। आशू सैनी। अच्छा कहाँ से हो भाई? हरियाणा से। अच्छा हरियाणा से, चलो आप तो दूर से हो, क्या लग रहा है वैसे वहाँ चुनाव में? चुनाव में तो सबका ही है। अच्छा क्या माहौल है हरियाणा में वैसे, सरकार कैसी रही? सरकार अच्छा काम कर रही है भाई। अच्छा बढ़िया काम कर रही है, मजा आ रहा? मजा आ रहा। क्या काम बढ़िया लग रहे वैसे? सब अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, हर काम अच्छा है जी। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम भाई साहब विकास है जी। विकास? अच्छा विकास, यहीं से हो भाई साहब? मैं तो कांदा से हूँ। अच्छा कांदा, कैराना लोकसभा सीट में आता है। हाँ तो क्या लग रहा चुनाव में आपका? देखो क्या, एक तरफ इकरासन है, प्रदीप चौधरी है, शिवपाल राणा है, फिलहाल तो प्रदीप चौधरी चांस लग रहे हैं। अच्छा हाँ। पर लोग तो यहाँ काफी नाराज हो रहे भाई, आकर कहते खनी मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे आदमी है जो इकरा को चाह रहे हैं और कुछ आदमी उसको चाह रहे हैं। कोई लड़ो, हमारी वोट भी समाज से है, थाने मोहन से है, वैसे हम रहने वाले, वोट भी हमारा थाना भवन में है। वोट आपका थाना भवन? हम फूल पे देंगे, मोदी को देंगे जी वोट। तो आपकी वोट यहीं पे है थाना भवन से? अच्छा मोदी को वोट करेंगे। अच्छा मोदी को वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? हर चीज अच्छी है जी, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया था तो उसके बारे में पढ़ा? उसने जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने इतना टाइम नहीं है जी पढ़ने लिखने का जी। भाई साहब आपका नाम? रिजवान अली। अच्छा रिजवान अली जी, क्या लग रहा है? तो कह रहे मजा आ रहा है मोदी को वोट देंगे? नहीं ये आधे कर संसद देंगे समाजवादी, तो कह रहे मुस्लिम समाज कह रहा है दे लो ये काम मुस्लिम समाज है। अच्छा क्यों दे रहे हैं? प्रदीप चौधरी बढ़िया काम नहीं है, एकरासन खानदानी नेता बढ़िया है भाई, काम तो हो रहे हैं रोड प्रदीप चौधरी कहाँ गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। तो कह रहे राशन दे दिया, आयुष्मान कार्ड, क्या और महंगाई कितनी होगी? मेडिकल सुविधा करवा दी, 5 लाख के इलाज घर मिल रहे हैं, नहीं मिलती जाएगा वहाँ कहाँ इतने इलाज करे? अच्छा घरों की सुविधा नहीं मिल पाई, 1000 रुपए लगा खत्म करे मामला। अच्छा हाँ, तो आप कभी गए हो प्रदीप चौधरी के पास या कभी? मैं नहीं गया कभी। अच्छा इकरासन के यहाँ नाई दसन के आ जाओ, तो इकरा ही आ रही है यहाँ पे? हाँ इकरा जी। ताऊ जी नाम? इकरा ही है सब, इकरा ही है सब। क्यों है इकरा? काम तो बढ़िया हो रहे, रोड बन रहे थे, पानीपत जल्दी चले है। अच्छा हाँ नहीं है? हाँ जी है जी। अच्छा मनोहर हसन जी कैसे नेता थे? बढ़िया, उसकी वजह से तो हर काम ही हो रहा है। अच्छा उसकी वजह से काम हो रहा सारा भाई। अच्छा उनकी वजह से? हाँ, और अगर वो तो आज कुछ और पार्टियाँ भाई उस दुनिया में नहीं रहा बेचारा। अच्छा भाई साहब आप एक बात बताइए, अभी रालोद और इसका बीजेपी का गठबंधन हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि रालोद भी बहुत सारा मुस्लिम समाज भी रालोद से जुड़ा हुआ था, तो क्या वोट करेगा उसका? नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सब मुस्लिम से धरी जाएगा। जाट भी आओगे इधर? जाट भी आओगे? हाँ पक्का पक्का। और कौन आवागा? जाट है, सैनी समाज है, कश्यप समाज है, सब आओगे, राजपूत है, हिंदू गुज्जर है, सब जाएंगे। एक रहता पहले जीत है, प्रदीप तो नाराजी है पहले से ही सब। पर यहाँ तो बहुत सारे लोग कभी नहीं, 5 साल तक प्रदीप तो यहाँ तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई हसन परिवार ने भी काम क्या कह रहे लोग, क्या लेना हम तो जो कह रहे हो सुनो जी। आपका नाम? यूनुस है जी। कहाँ से हो भाई साहब? कैराने से जी। क्या चुनाव में क्या लग रहा? कह रहे प्रदीप चौधरी कर रहा काम बढ़िया जी। उन्होंने 5 साल हो लिया आगे देखा भी नहीं, गरीब की बात नहीं सुनी कुछ भी नहीं। अच्छा बताओ किसका काम करा? किसी का भी नहीं करा। अच्छा ओबीसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है मामला इनका?
ओवैसी के वहां में देखेंगे जी, हम तो हमारे यहाँ से है, वहां भी सही रहे। मैं ओवैसी चुनाव लड़ रहा, वैसे कह रहे हैं चुनाव लड़ जी जी ठीक रहेगा साहब, वोट दोगे? हाँ तो वो देंगे, और ओवैसी को? हाँ जी, इकरों को छोड़ के इतना ही इकरों को देंगे जी। हाँ तो जी भाई साहब, अपना ओवैसी का क्या उठ रहा है? हाँ ओवैसी का कुछ नहीं है, चौबीसों को यहाँ तो इकरा ही चलेगी। अच्छा हाँ, इकरा ही चलेगी। कतेक दोगे वोट इकरा को? पिछली बार तो यहाँ से हार गई थी तबस्सुम हसन, पिछली बार तबस्सुम हसन थी, वो तो ऐसा ही मामला है। नाइद भी था, नाइद को भी हरवाए थे लोकसभा में, नाइद को भी जिताएंगे और इकरा को भी, इकरा ही जीतेगी यार, यहाँ कोई प्रदीप नहीं चलना। सन 84 था अब तक, आज तक उनके घर में पति रहा, खाली नहीं है, सन 84 थे और अब तक हसन परिवार में सन 84 थे, और आज 2024 तक कोई दिन ऐसा नहीं है जब पद नहीं है उनके यहाँ, तो वही जीतेगी इंशाल्लाह इकरा, भाई विधायक है फिलहाल। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के कैराना शहर में थे, यहाँ पे हमने चुनाव को लेकर बात की, ज़्यादातर लोग जो है इकरा को पसंद कर रहे हैं, इनका कहना है कि प्रदीप चौधरी जब से जीत के गए यहाँ पे आके उन्होंने नहीं देखा है, जुड़े रहे सीसी से यूपी से, खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद।